ने इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है, भारत की पहचान को चार चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी
भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है।
मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था। तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था। फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी। ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, काम किया। 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया। इसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल विकास और विरासत की गारंटी बन गया। 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए। आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया। और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है, देश के इतिहास में
महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये मेरे भावों में है, ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले। देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली। करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी। जीएसटी और आईबीसी जैसे रिफॉर्म हुए, बैंकिंग रिफॉर्म हुए। हमने राष्ट्रहित को हमेशा सबसे आगे रखा। आप याद करिए, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप
10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता हमेशा ही समाज के हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है। बीते 10 वर्षों में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या एसटी एसटी ओबीसी की है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जाए। वुमेन लेड डेवलपमेंट हमारी सरकार के गवर्नेंस मॉडल के केंद्र में रहा है। स्पोर्ट्स स्पेस और एंटरप्रेन्योरशिप तक हम हर क्षेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए अवसर देने के लिए काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में आपने देखा है हमने मेडिकल कॉलेज की संख्या 2 गुनी की है, एम्स की संख्या 3 गुनी की है, स्वरोजगार और स्टार्टअप में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। हमने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बनाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टर्स में और तेजी से काम किया जाएगा। हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास किया है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। हम अपने युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार हर क्षेत्र में सशक्त करेंगे। किसानों के लिए बीज से बाजार तक आधुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्राथमिकता पर होगा। दलहन से लेकर खाद्य तेल तक हम हमारे किसानों को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है, हरित युग का है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। हम ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी, हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। भाई और बहनों, आज का भारत वैश्विक समाधान का हिस्सा भी बन रहा है।
हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे भारत की वैक्सीन कैपेसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की। हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोले हैं। क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिक्योरिटी तक जो भी विषय दुनिया के सामने है, भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है। भारत ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबिलिटी और डायवर्सिटी देना भी अपना दायित्व समझता है। इसलिए भारत आज विश्व बंधु के रूप में सबको गले लगा रहा है। मुझे विश्वास है मजबूत भारत मजबूत दुनिया का एक मजबूत स्तंभ सिद्ध होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है। सेवा भाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरि रखने की परंपरा को निरंतर मजबूत करना है। भाजपा का कार्यकर्ता जन आकांक्षाओं, जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संवाद करते रहे। साथियों, कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा। उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेरणा है कि देव पथ पर अड़िग कैसे रहा जाता है। अपने ध्येय पथ में भी हमारी मेहनत में कोई कमी ना रहे, हम पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करते रहे। हमारे जीवन की बहुत बड़ी कसौटी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें, हम देश हित को सर्वोपरि रखें, तभी हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। इसी साल हमारे संविधान के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। केंद्र की एनडीए सरकार
सभी राज्यों के साथ, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो, मिलकर काम करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। ये राष्ट्र नीति के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। विकसित भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। 6 दशक बाद किसी गठबंधन को, एनडीए को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का ये अटूट रिश्ता, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। आपका आशीर्वाद, नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की हमारी ऊर्जा है।